दोस्तों, क्या आप घर बैठे एक नया बिजनेस ढूंढ रहे हो जो कि आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर पाओ, कम जगह में शुरू कर पाओ और जो आपको घर बैठे बिजनेस करके अच्छी खासी कमाई दे? तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो आप ही के लिए है। आज जो बिजनेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपके लिए, जिसमें आज जो बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो सेटअप बताने वाला हूँ, आप देख सकते हो कि छोटी सी टेबल पर आप प्रोडक्शन करके घर बैठे प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच सकते हो और दिन का 3,000, 2,000, 4,000 प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि आप छोटे से लेवल से शुरू कर सकते हो और बड़ी इंडस्ट्री में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ, और ये जो पूरा सेटअप है, ये जो बिजनेस है, आज आप पहली बार देखने वाले हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर पहली बार देखने वाले हो, इंस्टाग्राम पर पहली बार देखने वाले हो। और दोस्तों, ये बिजनेस में जो आप घर बैठे प्रोडक्ट बनाओगे ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बच्चों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और आपको तो पता ही है कि बच्चों के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उसका मार्केट बहुत बड़ा है। क्योंकि बड़े लोग जितना खर्चा खुद पे नहीं करते उतना खर्चा वो बच्चों पर करते हैं, राइट? बच्चों के रिलेटेड उनकी जो भी ख्वाहिशें होंगे, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना मार्केट में, उन पर ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो वही प्रोडक्ट्स, उसमें से एक प्रोडक्ट आप घर बैठे बनाकर मार्केट में सेल कर सकते हो। 365 दिन चलता है प्रोडक्ट, सालों साल ये बिजनेस चलता है। और दोस्तों, मैं आपको वापस कहूँगा, बार बार कहूँगा, ये जो बिजनेस है आज पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंडिया में, पूरे फेसबुक पर, पूरे इंस्टाग्राम पर आप पहली बार देखने वाले हो। आपने ऐसा सेटअप, ऐसा बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सर, ये जो नया बिजनेस है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, सर हमारे व्यूअर्स को बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेंकटेश है, इनका नाम नित्यानंद है, जो कि हम आपको लेकर आए एक अच्छा छोटा सा बिजनेस। सिर्फ ज़्यादा जगह, छोटी जगह में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, बाहर आपको इस अच्छे से छोटा सा सेटअप भी लगा के आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा टेबल लगेगा और किचन जैसा एक लादी का सेटअप रहेगा और एक गैस स्टोव का एक कनेक्शन रहेगा बस। बाकी इनमें जो भी सारा चीज़ लगेंगे, या तो मशीन से, रॉ मटेरियल से, ये सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको दे देंगे। देखिए, इनमें आपको बिजली का कोई ज़रूरत नहीं है, सब ये जो है अपने हाथों से बना सकते हो। तो दोस्तों, आगे सर हमें पूरा डिटेल बताएंगे कि ये जो छोटा सा जो सेटअप है, इससे आपको घर बैठे बिना बिजली के हाथ से प्रोडक्ट कैसे बनाना है, मार्केट में सेल कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, प्रॉफिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या आएगी ये बिज़नेस शुरू करने के लिए, सारी ए टू जेड जानकारी सर हमें देने वाले। तो वीडियो में आप एक एक सेकंड तक ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में सबटाइटल्स दिख रहे होंगे तो यहाँ पे आप सीसी करके ऑप्शन है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो इंग्लिश में यहाँ पे सबटाइटल्स चल रहे हैं वो ऑफ हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आज के घर पे आप कैसे सेटअप कर सकते हो, ये सब देख सकते हैं आप। तो देख सकते हो ये जो मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल मशीन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पहला प्रोसेस है, आपको गैस सिलेंडर लगेगा, उसके बाद एक छोटा स्टैंड वाला चूल्हा लगेगा, उसके बाद एक अल्मोनियम का टॉप लगेगा। ओके। तो पहले अभी मैं ये ग्रीन कलर इसमें डाल रहा हूँ, रेड कलर बना रहा हूँ, और ये डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊँगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, हल्का पानी मिला के इसको घट करना है। ये हमें तेल इसमें इसलिए लगाते हैं कि हमारी चाशनी इसमें पकड़े ना। अच्छा। चाशनी अच्छी तरह से पलटी मार के उसमें कलर वगैरह लगा सके, इसके लिए ये हम ऑयल डालते हैं। कौन सा ऑयल होता है सर ये? ये कोकोनट ऑयल है। अभी इसमें हम एक मग पानी डालेंगे, एक से सवा मग तक पानी कम ना पड़े, और इस तरह से गैस को जलाएंगे, और इसके बाद में शुगर हमें लगेगा और हम इसको 5 किलो वजन करके डालेंगे, और उसके बाद में फिर इसको हम धीरे धीरे, अब ये हम शुगर ले लिए हैं, इसको ऐसे टॉप में डालेंगे, और डालने के बाद में इसको उबाल आने तक इसको इसी तरह हिलाते रहेंगे। ये कम से कम 10 मिनट तक इस तरह से हिलाने के बाद में इसमें उबाल आ जाएगा। उबाल आने के बाद में फिर हम इसमें लिक्विड ग्लूकोज ऐड करेंगे। ये हमारा लिक्विड ग्लूकोज है, अभी हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। अब ये हम इसमें डाल देंगे लिक्विड ग्लूकोज, हमारा शक्कर उबाल आ गया है। और इस तरह से अब इसको हिलाते रहेंगे ताकि ग्लूकोज जले नहीं, और इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा।
और मिक्स हो। अभी इसमें हम लोगों ने ग्लूकोज और शक्कर का पानी वो मिक्स हो रहा है, राइट। अभी हमारी चाशनी पक के तैयार हो गई है, अब इसे हम प्लेट पे पलटी करेंगे। तो सर ये जैसे किचन का ओटा रहता है उसी तरह का ओटा है ना ये किचन? हाँ, किचन की तरह का ओटा है। और इस पे हल्का सा तेल लगा देते हैं और इस तरह से चाशनी को इस पे पलटी करना है। तो ये चाशनी और अपने ग्लूकोज का मिक्सचर है, राइट। हाँ, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे फ्लेवर। कौन सा फ्लेवर है सर ये? ये फ्लेवर है मिक्स फ्रूट का। और इसको इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको ऐसा इसमें मिक्स करेंगे ताकि फ्लेवर अच्छी तरह से चाशनी में ऐड हो जाए, चाशनी सूखे नहीं। तो सर ये जो नया आदमी जिसे करना है वो कर सकता है ना? ट्रेनिंग वगैरह दे दोगे ना? हाँ, ट्रेनिंग दे देंगे, उनको बताएंगे। हो गया ना? अभी कलर नहीं। ये जल्दी हार्ड हो जाता है क्या? हाँ। पहले जो हम लोग ने कलर बनाया था उसी कलर में वापस हम इसको बना रहे हैं और इस तरह से इसमें कलर ऐड कर देंगे। डिजाइन बन जाएगा क्या? हाँ। इसको आटे की तरह इसे मस लेंगे और इसको इस तरह से कलर को पूरी तरह मिक्स कर लेंगे। वाह, पूरा कलर का हो गया, रेड कलर का। ये रेड कलर हो गया है। वाह, अब इसका हम बना देंगे पट्टा। हाँ, ये जो बचा हुआ है कलर मारने से इसको हम इस तरह इस पर सेटिंग करेंगे। ओके। सेटिंग करने के बाद में इसमें और चमक आ जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा अच्छी तरह से। वाह। और फिर उसके बाद में हम इसमें पट्टा लगा देंगे और पट्टा लगा के इसका। वाह, ये तो चमक रहा है। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इस तरह से इस हैंडल पे इसको सेटिंग करना पड़ेगा ताकि पूरी अच्छी तरह से इसमें चमक। पूरा वाइट हो गया सर अभी तो, पहले येलो था, अभी थोड़ा वाइट दिखने लग गया। नहीं, हाँ, अभी इसको सेटिंग करने से इस तरह से वाओ सफ़ेद हो जाएगा और फिर इस पर हम लगा देंगे पट्टा। अभी रॉड में से इसको निकाल के और हम इस पर लगाएंगे। अभी जो हमने पहले लाल कलर के पट्टे बनाए थे उसको अब इस तरह से इस पर जॉइंट करेंगे। ऐसे लाल लाल पट्टे लगाने हैं। ये इस पे लग गया पट्टा। वाओ, दिखाओ ऐसे गोल घुमा के दिखाओ। वाओ, सही है। और अब इसको हमें नाले में डाल देंगे। ये क्या होता है सर, ये पूरा सेटअप जो है कपड़े का? और ये सेटअप है ताकि हमारा चाशनी इसके अंदर सूखे नहीं और ये हमेशा लास्ट तक गर्म बना रहे। हाँ, ये पूरा सेटअप में ये जो नाला है ये कपड़ा लगा के ये सब पूरा देंगे। लाइट का मार और इस तरह से इसको काटना है और इस तरह से इसको हम छोटे छोटे पीस काटेंगे और इसमें लगाएंगे प्लास्टिक का स्टिक। ओके। और ये स्टिक इसके अंदर लगाएंगे, ये प्लास्टिक का स्टिक। धीरे धीरे करो, आराम से मिल जाता है। और इसको इस तरह से लॉलीपॉप में और मशीन में धीरे से डाल के इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में आपको इस तरीके से लॉलीपॉप निकलेगा।
बेहतरीन क्वालिटी का। ऐसे दो लोग तीन लोग के काम में काम कर सकते हैं और अच्छी तरह से माल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अगर सर मुझे समझो मार्केट में जैसे अभी ये सर्कल वाली है जलेबी टाइप लॉलीपॉप है, एक हार्ट शेप की भी रहती है, तो वो कैसे बनती है? हार्ट शेप के लिए ये डाई चेंज करेंगे तो आपको उस तरीके का लॉलीपॉप निकलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये मछली की डाई है और ये ग्रेप्स की डाई है और यहाँ पर कुछ दिल्ली पेड़े के डाई रखी हुई है। हाँ, ये मशीन है, इसमें आप डाई चेंज कर सकते हैं, ये डाई लगा सकते हैं, बदली कर सकते हैं, दूसरी डाइयाँ लगा कर आप कोई भी वैरायटी का लॉलीपॉप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये दो डिज़ाइन का लॉलीपॉप तैयार हो गया है। अब इसे हम पैकिंग कर देंगे और अब आप देख सकते हैं इस तरह से इसको पाउच के अंदर इसको हम पैकिंग करेंगे और इस तरह से लपेट के इसको रिबन लगा के पैक कर देंगे ताकि इसमें हवा ना लगे। और अभी इस तरह से पैकिंग करके इसको हम मार्केट में ले जाएंगे और आप इस तरीके से इसको पैकेट में भर के आपको जितना लगे 30, 15, 20 जैसा भी आप पैकिंग बना सकते हैं और इस तरह से पैकेट या जार में आप इसको बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। और इस तरह से जार में बर्नी में भर के 30 पीस 20 पीस जैसा आपको मार्केट में देना है। और इस तरह से जार आपका रेडी हो गया है, आप इसमें अपने नाम का स्टिकर लगा कर मार्केट में बेच सकते हैं। तो सर सबसे मेन क्वेश्चन है कि इसकी एक्सपायरी कितनी होती है, कितने दिन तक ये फ्रेश रहेगा और इसकी एक्सपायरी कैसा रहता है, वो ज़रा बताइए। ये 3 महीने तक ख़राब नहीं होने वाला चीज़ है, इसको सिर्फ पाउच से बाहर ना रहे और पाउच के अंदर अगर रहेगा तो ये कम से कम 4 से 5 महीना ये चल सकता है। तो सर ये बिज़नेस शुरू करने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह लगता है? जी, इसमें लाइसेंस, फूड लाइसेंस और शॉप लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो सर इसका पूरा ट्रेनिंग वगैरह मिल जाएगा ना, मतलब ये पूरा लॉलीपॉप कैसे बनाते हैं, सीक्रेट फार्मूला है सारा कुछ? यहाँ आएंगे, आपको डेमो देंगे, आप पूरी तरह से सीखेंगे तो आप इसको जो भी है मशीन मटेरियल सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। आप पूरा सेटअप लगवा के देंगे, रॉ मटेरियल देंगे, सब कुछ ट्रेनिंग दे देंगे। तो सर हम लोग इस सेटअप से कौन से अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स के लॉलीपॉप बना सकते हैं? इसमें 10 फ्लेवर का बना सकता है, लेकिन ज़्यादातर 3 फ्लेवर ज़्यादा चलते हैं, पाइनएप्पल, मैंगो, ब्लूबेरी, लेमन, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ब्लैक करेंट, ग्रेप, ऐसे अलग अलग टाइप के लॉलीपॉप आप बना सकते हो। और सर हम लोग कौन से साइज के लॉलीपॉप इसमें बना सकते हैं? इसमें 10 वाली बना सकते हैं और 5 वाली बना सकते हैं, 2 वाली बना सकते हैं, 1 वाली बना सकते हो। और इसमें डाइस चेंज करना पड़ता है और जो 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 भी साइज है 20 वाला भी बना सकता है, 10 वाला आपको डाई चेंज करना पड़ता है। तो सर ये सेटअप से लॉलीपॉप बनाना तो बहुत ईजी है, बट मेन बात है बेचना। बना तो लेंगे सब लोग, बेचेंगे किधर, बेचेंगे कैसे, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स होगी वो ज़रा बता दीजिए। आप अपना पान टपरी पे बेच सकते हो, किराना में बेच सकते हो और अपना मेडिकल में बेच सकते हो और होलसेल में बेच सकते हो, रिटेल में भी बेच सकते हो। ये बच्चे को प्रोडक्ट है, आप कहीं भी बिकेगा, 365 दिन 24x7 कभी भी बिकने वाला आइटम है। बच्चे इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए इसका ज़्यादा डिमांड है। तो सर अभी मेन बात है प्रॉफिट की, अगर मैं लॉलीपॉप्स बनाकर मार्केट में बेचता हूँ तो एक लॉलीपॉप पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगा, वो जो रिटेलर रिटेल मार्केट में कितने तक बिकेगा, कस्टमर को कितने तक पड़ेगा, वो ज़रा बताइए। प्रॉफिट कितना होगा एक लॉलीपॉप पर, वो ज़रा बताइए। 2 रुपये लॉलीपॉप की कॉस्ट अलग है, 5 रुपये लॉलीपॉप का भी कॉस्ट अलग है, 10 रुपये लॉलीपॉप का भी कॉस्ट अलग है। सर 5 रुपये के लॉलीपॉप जो है उसमें अपना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगा 2 रुपये 30 पैसा। तो सर ये जो 2 रुपये 20 पैसा आ रहा है वो सारा कुछ मिलाकर है ना, लेबर वगैरह सब, लाइट बिल, जो भी गैस वगैरह का खर्चा मिलाकर है ना, पूरा टोटल लिस्ट, आप मैन्युफैक्चरिंग आपको जो भी चीज़ लगेगा वो सबका कॉस्ट पूरा मिलाकर 2 रुपये 20 पैसा आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ेगा उस। अच्छा। और या जो अपन मेडिकल शॉप में रिटेलर होलसेलर ये सब जो वहाँ बेचेंगे तो
आप 3.5 रुपये के हिसाब से आप बेच सकते हो, उसमें आपका प्रॉफिट होगा 1.30 रुपये। एक लॉलीपॉप पर आपका 1.30 रुपये आराम से बच जाएगा। बच्चे वगैरह 5 रुपये में खरीदेंगे। और प्रोडक्शन कितना हो जाएगा सर, हम लोग एक दिन में कितने लॉलीपॉप्स बना सकते हैं? सर आप छोटा सा भी सेटअप रखोगे तो आप मिनिममली पर डे में आप 2 से 3 हज़ार आराम से लॉलीपॉप बना सकते हो। आप ज़्यादा लोग लगाओगे तो उसको बढ़ाना है तो फिर ज़्यादा भी कर सकते हो, 2 से 3 हज़ार कॉमन होगा, और उससे ज़्यादा भी करना है तो 5 से 6 हज़ार भी आप आराम से कर सकते हो पर डे में। और कमाई कितनी हो जाएगी सर, अगर मैं समझो पूरा मतलब अच्छे से सेटअप कर लेता हूँ, छोटी सी जगह में शुरू कर लेता हूँ, तो मेन कमाई पर डे कमाई महीने कमाई कितनी हो सकती है बताइए। सर एक लॉलीपॉप पर 1.30 रुपये आपको फायदा होगा। मिनिमम आप 2 से 3 हज़ार लॉलीपॉप बनाकर बेचते हो, आराम से हो जाएगा 2 से 3 हज़ार पर डे में। एक छोटा सा सेटअप डाल के भी आप कर सकते हो, 2 से 3 हज़ार आप आराम से कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको डेली का इनकम 2 से 3 हज़ार आराम से हो जाएगा। तो सर अगर किसी को लॉलीपॉप बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा 25,000। उसमें हम लोग मशीन्स दे देंगे, प्लस रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, बाकी उसमें अलग से लगेगा एक शुगर लगेगा, शुगर जो है आपकी नज़दीक के दुकान से आप ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको लॉलीपॉप बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।